भाई किलो के भाव में इस वक्त इंटरनेट पर एक खबर पहुंचाई जा रही है जो कि है अक्षय विल डू ऋषि सोनक बायोपिक। और ये जो बायोपिक होगी इसको नाम लिया जाएगा नमस्ते लंदन 2 का। देखिए अगर आपने अभी तक नमस्ते लंदन नहीं देखी है पहला पार्ट अक्षय कुमार कटरीना का, तो मैं कह रहा हूँ प्लीज, मैं हाथ पैर जोड़ता हूँ भाई आपको, प्लीज देख लेना। और मूवी के अंदर एक सेगमेंट आता है जहाँ पर ना अंग्रेजों के साथ अक्षय कुमार बात करते हैं, गूजबम्स वाली चीज है। और शायद उसी के चलते लोगों ने ऐसा मान लिया होगा ऋषि सोनक का किरदार करेंगे अक्षय कुमार, क्योंकि भाई दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखते हैं। फिर बात की मैंने थोड़ी तहकीकात जानने की कोशिश की, आखिर चक्कर क्या है भाई, कब ये मूवी आ रही, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मेरे को पता चलता है ऐसी तो कोई बात है ही नहीं सिनेमा के अंदर, बल्कि भाई दूर दूर तक ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन भाई लोगों ने ना मीम बना के इंटरनेट पर सारी चीज फैला दी है बहुत जोरों शोरों से। अगर आपको भी ऐसा मिले कोई दोस्त आके ज्ञान देवे कि भाई ऋषि सोनक जो कि प्रेसिडेंट बन गए हैं वहां के, मतलब कि सबसे बड़ी ताकत बन गए वहां के, वो इंडियन है और उनकी बायोपिक होने वाली है। बाकी बॉलीवुड के गलियारों तक अगर ये बात पहुंच गई तो भाई दिक्कत हो सकती है, फिर तो फेल सकते हैं अक्षय कुमार इस चीज को पकड़कर, क्योंकि कहानी बहुत तगड़ी बनेगी। और मैंने तो लास्ट का क्लाइमेक्स सीन भी सोच लिया, जिस तरीके से ऋषि सोनक भाई अपना कुत्ता लेके गए थे और किसी जमाने में अंग्रेजों ने बोर्ड लगा दिए थे कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, आज भाई उनके सबसे बड़े ऑफिस में बैठे हैं ऋषि सोनक कुत्ता लेके और खुद इंडियन, तो भाई क्लाइमेक्स सीन तो ऐसा ही बनेगा जहां पर कुत्ते के साथ ऑफिस के बाहर खड़े हैं और बाहर लिख रखा है प्राइम मिनिस्टर, भाई तगड़ी चीज नहीं हो जाएगी। बाकी आप मेरे को बताओ कौन कौन बायोपिक देखना चाहता है और उस बायोपिक में अक्षय कुमार को देखना चाहता है जल्दी से। बाकी अगर आपकी कोई और राय हो इस मुद्दे में तो जरूर बताइएगा कॉमेंट करके। बाकी नेट के पूरे होने वाले हैं यार बहुत जल्द, ऐसा 90 तो हो गए शायद, तो यार कर दो थोड़ा सा सब्सक्राइब, थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा, बहुत सारे गिव अवेज हैं, फिर आपके लिए मिलता हूँ, चल अलविदा।